2022 आज है संडे का दिन, सो आई एम प्लानिंग फॉर अ संडे राइड टुडे अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। और डेस्टिनेशन बहुत सोचने के बाद अभी डिसाइड हुआ किलंग रॉक, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 56 किलोमीटर्स यहाँ से शिलोंग से, एंड उधर ही जा रहा हूँ अभी। बेसिकली किलंग रॉक मैं पहले भी जा चुका हूँ, इट्स अ डोम शेप रॉक, डोम से बहुत बड़ा पत्थर शील है वहाँ पे। मैं बहुत पहले गया था, आई थिंक 3-4 साल तो हुई, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए, एंड आज निकल रहा हूँ आज फिर से दोबारा वहीं की तरफ। आई नो 11:55 शायद लेट हो गया होगा, पहले जाना था बट ऐसे डिसाइड करते करते टाइम लग ही गया। तो विल बी ट्राइंग टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट वी कैन शो यू द सिनेमैटिक व्यू दी लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया। तो आज संडे का दिन है, रात राइट नाउ आई एम प्रोसीडिंग, ये बड़ा बाजार जाने वाला जंक्शन है, एंड फ्रॉम हियर विल जस्ट टेक अ लेफ्ट एग्जिट, उसके बाद फिर हम चलेंगे। लास्ट नेपाल राइड के बाद लास्ट जो मुस्तांग मुक्तिनाथ हमने राइड की थी, जो बाइक राइड की थी, इसका मैं वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो मुस्तांग राइड के बाद ये आई थिंक दिस विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग राइड तो नहीं है, बस 50 किलोमीटर है बस के, आफ्टर दैट वो नेपाल राइड। ये अभी थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, एंड बीच में मैं थोड़ा सा काम की वजह से मैं बिजी वगैरह था, सो कुछ पोस्ट करने का मुझे टाइम मिला नहीं एडिटिंग वगैरह। एंड आप देख रहे हैं कि ये चैनल अभी मैंने न्यूली ओपन किया है, तो थिंग्स आई एम लर्निंग इट स्लोली, होपफुली मैंने जो अपलोड की है आपको पसंद आया होगा, एंड योर लव एंड सपोर्ट विल इंकरेज मी टू अपलोड सम मोर वीडियोज, सम मोर एक्शंस एंड ऑल। तो आज यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, बीजेपी भैया जिंदाबाद, देखो पूरा झंडा लगा हुआ है बीजेपी का यहाँ पे। तो यहाँ पे आज थोड़ा वीआईपी विजिट है, स्पेशली ये झंडे लगे हैं। और आज बहुत ज़्यादा दिन इधर लाइक अ ब्यूटिफुल सनी डे विच वी से दिस ओनली इट इज इंडीड अ सनी डे। तो ऐसे ठंडे मौसम में ऐसा वेदर मिलेगा तो ऑफकोर्स राइड तो बनता ही बनता है।
एक व्यूअर्स बट आई होप आप सम वोट ये फील कर सकते हैं, इतना अच्छा सा वेदर एंड कोल ब्रीज, यू नो चलाते वक्त वो जब कोल ब्रीज आ रहा है वो तुम्हारा लाइक सोना जाने वाला रास्ता है वो, एंड दिस इज टूवर्ड्स, ये एक्चुअली आई से दिस रोड लीड्स टू मोहसिन धाम। मोहसिन धाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये रोड एक्चुअल में मोहसिन धाम जाता है एंड प्लेस विच वी आर गोइंग इससे पहले ही। एंड फ्रेंड्स ये आ गया बोर्ड हमारा, यहाँ से अभी हम लेंगे राइट टर्न, दिस रोड गोज टू तूरा, आप देख सकते हैं बोर्ड में आई शोड यू रोड 972 तूरा 286, सो वी आर टेकिंग द राइट, अभी यहाँ से लेंगे राइट रोड, यहीं से निकलेगा अभी हमारा किलंग रॉक, तो यहाँ से इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से गूगल दिखा रहे 38 किलोमीटर्स, एंड आप देख सकते हैं रोड वाव, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ये विंड ब्लास्ट इतना अच्छा आ रहा है, बट यू नो लाइक बिजी ट्रैफिक जो सिटी के अंदर जो बिजी ट्रैफिक से निकल के जब आप ऐसे जगह में खुलने में आते हैं तो मतलब एक यू नो लाइक बड़ा सा एक मज़ा ही आ जाता है, एंड लाइक वी आर फीलिंग द सेम थिंग, मतलब इतना रिलैक्स हो रहा है, इतना मतलब माइंड फ्री हो, ऊपर से इतनी मीठी धूप, ये आ गया बस टाइटल और भी पता नहीं क्या लिखा है उसके बाद तो ये आई थिंक दिस इज द ओनली टनल हमको मिलता है, टनल भी क्या बने अंडर ब्रिज क्या बोलते हैं इसे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वाओ जस्ट लाइक लाइन जैसे रोल करता है ना वैसे साउंड आ रहा है, प्लीज लाइक द बटन, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रोड ट्रिप को देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सो दैट हमें भी इंकरेज कीजिए कि हम भी आपको बहुत सारी जगह दिखाएं इन साइड दिखा लिया। कैसा कैनियन वाला एक यू नो एक माउंटेन के बीच से, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं बहुत दूर कहीं मतलब घूम के नहीं जा रहे हम,
they have kept the places all clean. बहुत साफ सफाई है यार जगह. दिस इज वे टू माय हाउस. आपको बोर्ड दिख रहा होगा क्या दिन पे मैदान लॉन्ग स्टर्न से लॉन्ग रोड तो यही हो मतलब यहाँ छप रोड तो दामी बनाई दिया है इधर रोड तो यही होगा ना. रोड तो पूरा कच्चा था यार हमें आने वाले हमारा जब आते इट्स बीन मोर देन 4-5 years. तो यही है दोस्त लोग मेरा दोस्त का हिमालयन जो नेपाल ट्रिप के दौरान धोखा दिया था एंड नाउ ही इज बैक. अब यहाँ से वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यहाँ से रोड ऐसे ही है लाइक पतला पतली सी रोड है तो थोड़ा सा इधर दाएं बाएं हो गया तो फिर गड्ढे में जा सकते हो. एंड ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल फॉर द ऑन कमिंग गाड़ी वगैरह क्योंकि वो भी बिना हॉर्न बजाते हैं वो तो पता ही है. तो वो तो गाड़ी वाला है बच जाएंगे बाइक वाला फिर मतलब खराब हो जाएगा बिकॉज लास्ट टाइम हम भी ऐसी स्पीड में ऐसे तो मैं स्कूटी से गिर गया था और उस वक्त तो रोड कच्ची थी बट अभी तो रोज बहुत बढ़िया होगा.